सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एम्प्टी टैंक्स। तो आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल, क्योंकि आज से स्टार्ट हो रही है हमारी अल्टीमेट लद्दाख सर्किट की सीरीज। तो हाँ दोस्तों, मैं जा रहा हूँ 12 दिन के लद्दाख सर्किट के ट्रिप में। तो दोस्तों, इस ट्रिप पे जो हमारा प्लान ऑफ एक्शन रहने वाला है वो ये है कि हम जाएंगे लेह वाया मनाली, और 1-2 दिन लेह में स्टे करेंगे और लोकल साइट सीइंग करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे नूबरा वैली वाया खारदुंगला पास, और वहाँ से हम जाएंगे थांग जो कि लास्ट विलेज है टूवर्ड्स पीओ के। उसके बाद हम विजिट करेंगे डिस्किट मॉनेस्ट्री, और वहाँ से जाएंगे हम पैंगोंग लेक, और लेक को एक्सप्लोर करने के बाद हम वहाँ से जाएंगे हानले जो कि है वन ऑफ दी वर्ल्ड्स हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी। और उसके बाद जाएंगे हम एक बहुत ही स्पेशल जगह जो कि है हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड, दैट इज़ उमलिंगला पास। और उमलिंगला पास को एक्सप्लोर करने के बाद हम वहाँ से निकलेंगे टूवर्ड सोमरीरी लेक, और सोमरीरी लेक के बाद हम जाएंगे पुगा वैली, और वहाँ पे देखेंगे हॉट वाटर स्प्रिंग्स। और वहाँ से हम दोबारा कनेक्ट करेंगे लेह मनाली रोड पर, और लेह मनाली रोड कनेक्ट करने के बाद हम वापस आएंगे सेम रूट से, दैट इज़ थ्रू बारालाचला पास टू मनाली। तो चलो दोस्तों, सबसे पहले रखते अपनी गाड़ी में अपना सारा सामान और जो भी हम लेकर जा रहे हैं, और निकलते हैं फिर हम टूवर्ड्स मनाली। सो दोस्तों, हम शाम को पहुंच गए थे कुल्लू, और अब कल सुबह यहाँ से निकलेंगे अपने सफ़र पर। और Day 2 में हम क्रॉस करेंगे हमारा पहला पास जो कि है बारालाचला, और उसके बाद आएंगे 2 और पासेस कल के लिए। और हम निकलेंगे कल यहाँ से काफ़ी जल्दी सुबह, अराउंड 4-5 बजे हम कुल्लू से निकल जाएंगे, क्योंकि दारचा चेक पोस्ट का जो टाइमिंग है क्रॉस करने का वो है 7 से 12 आजकल, और वन वे ट्रैफिक जा रहा है। ऑड इवन डेज का यहाँ पर अभी प्रोसीजर चल रहा है, तो हमें कल किसी भी हालत में दारचा चेक पोस्ट को क्रॉस करना है। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं आपको सीधे कल सुबह, तब तक के लिए गुड नाइट। द नेक्स्ट डे। सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू Day 2 ऑफ आर रोड ट्रिप। तो अभी बज रहे सुबह के 4, और आज का प्लान ऑफ एक्शन ये है कि अभी मैं निकल रहा हूँ मनाली, और मनाली से हम जाएंगे वाया अटल टनल टू दारचा, और वहाँ पर फर्स्ट चेक पोस्ट क्रॉस करके हम जाएंगे बारालाचला पास। और आज हमें शाम तक पहुँचना है पांग, और वही होगा हमारा नाइट स्टे। तो चलो चलते हैं, निकलते हैं दोस्तों यहाँ से। दोस्तों अभी हम पहुंचे हैं मनाली, और आप सुबह 5 बजे देख सकते हैं यहाँ पे कितना ज़्यादा ट्रैफिक है, और टूरिस्ट की काफ़ी ज़्यादा भीड़ लग गई है। और आज डे है 30 मई। तो दोस्तों अभी मैं पहुंच गया हूं अटल टनल रोहतांग, और ये आप देख सकते हैं सामने रोहतांग टनल का नॉर्थ पोर्टल। और ये जो ब्रिज है यहां से, जो ये सामने वाला रास्ता जा रहा है, ये जा रहा है स्पीति वैली को और रोहतांग पास को, और हम लोग जाएंगे इस रास्ते पर टूवर्ड सिसु केलोंग, और पहुँचेंगे बारालाचला पास, और फिर जाएंगे लद्दाख यूनियन टेरिटरी में। और अब अगला स्टॉप हम लेंगे पेट्रोल पंप पर, क्योंकि गाड़ी में फ्यूल कम है, और केलंग के बाद कोई भी पेट्रोल पंप नहीं है लेह तक, तो 350 किलोमीटर तक कोई भी पेट्रोल पंप नहीं होता है। तो चलो चलते हैं और भरवाते अपनी गाड़ी में पेट्रोल। दोस्तों अभी हम पहुंच गए पेट्रोल पंप पे, ये है केलंग के पीछे, और इसके बाद एक ही पेट्रोल पंप आएगा केलंग में, पर उसकी कोई गारंटी नहीं वो ओपन होता है कि नहीं, तो मैक्सिमम लोग यहीं पे गाड़ी में पेट्रोल डीजल फिल करा लेते हैं। तो हम भी यहाँ पे 15 मिनट से खड़े हैं, तो नेक्स्ट टर्न हमारी है, और
पेट्रोल डलवा के निकलते अपने सफर पर। तो हेलो दोस्तों, राइट नाउ आई एम एट जिस्पा। तो ये आप देख सकते हैं जिस्पा वैली, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होम स्टेज और रेस्टोरेंट्स अवेलेबल है, और यहाँ पे रिवर साइड कुछ कैंप साइट्स भी अवेलेबल है यहाँ पर इस साइड। और अब यहाँ से दारचा रह गया अराउंड 20 मिनट का रास्ता। तो अभी बज रहे हैं 9, तो अराउंड 10-10 बजे मैं दारचा चेक पोस्ट को क्रॉस कर लूँगा, और 12 बजे क्योंकि दारचा चेक पोस्ट बंद हो जाएगी, तो उससे पहले पहले हमें क्रॉस करना है। तो अब कर लेते हैं ब्रेकफास्ट और निकलते हैं फिर दारचा चेक पोस्ट की तरफ। तो दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं दारचा, और ये आप देख सकते हैं दारचा का ब्रिज, और यहीं पे है दारचा की चेक पोस्ट। और आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है ये जगह इस टाइम पर, और काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट इस टाइम पे यहाँ से जा रहे हैं। और अभी काफ़ी ज़्यादा ट्रक्स भी हमें पास कर चुके हैं, क्योंकि अभी एक तो बारा लाचला भी वन वे ट्रैफिक चल रहा है, तो जितना जल्दी यहाँ से निकल जाए उतना ही बेटर है। बाकी आप नज़ारे देखें, कितना ही खूबसूरत लग रहा है ये। तो दोस्तों ये जो लेफ्ट को रोड जा रहा है ये है शिंकुला पास की तरफ, जो कि जाता है पदम और कारगिल की तरफ, और ये जो राइट को रोड जा रहा है ये जा रहा है बारा लाचला को, जो कि है यहाँ से 44 किलोमीटर, और ले अब रह गया है हमारे को 326 किलोमीटर। और अभी ट्रैफिक मूव कर रही है यहाँ से, तो चलो चलते हैं आगे बारा लाचला की तरफ। तो दोस्तों अभी हम पहुँच गए दीपक ताल में, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पर बर्फ है, और ये कुछ दीपक ताल का नज़ारा, और वो आप सामने देख सकते हैं ये है बारा लाचला पास पूरा जहाँ पे बर्फ है। तो अभी हम वहाँ को जाएंगे, तो आप लो एक दीपक ताल का व्यू तब तक, फिर उसके बाद हम निकलते हैं बारा लाचला पास की तरफ। नाउ वी आर क्लाइंबिंग टू बारा लाचला पास, और ये देख सकते हैं आप बारा लाचला पास का रोड, और हमें ये सारी जो बर्फ है ये सारी क्रॉस करनी है अभी, और वो खड़ी है हमारी गाड़ी। तो रोड तो यहाँ का ठीक है, बस बर्फ काफ़ी ज़्यादा है इस टाइम पर यहाँ पर, और ट्रक्स भी कई कई जगह फंस जा रहे हैं। बाकी वेदर आज बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो अब हम निकलेंगे ऊपर बारा लाचला पास की तरफ, और दिखाते हैं आपको आगे क्या ट्रैफिक है या फिर कितनी बर्फ है, और ज़्यादा कितनी बर्फ है आगे। करंटली वी गॉट स्टक इन ट्रैफिक जाम इन बारा लाचला, और यहाँ पे वन वे ट्रैफिक जैसे मैंने आपको पहले बताया था, पर कुछ लोग सामने से आ गए हैं, तो अब पता नहीं अब कितना टाइम लगने वाला है। तो अब हम सिर्फ वेट ही कर सकते हैं और कुछ नहीं, तब तक आप बारा लाचला के नज़ारे देखो।
दोस्तों फाइनली पहुंच गए बारालाचला पास और इसकी हाइट है 4850 मीटर। पर अभी यहाँ रुकना थोड़ा टफ लग रहा है क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। तो ये है बारालाचला पास और यहाँ ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। फाइनली वी हैव क्रॉस्ड बारालाचला पास और बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक ट्रक्स को क्रॉस करने के बाद फाइनली अब थोड़ा सा प्लेन जगह आई है। तो हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया इसको क्रॉस करने में क्योंकि बोल रहे थे कि वन वे ट्रैफिक है पर काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट की गाड़ियाँ फिर भी रॉन्ग साइड से आ गई थी। आई डोंट नो वाई उन्हें परमिशन मिल गई थी पर बोल तो ऐसा ही रहे थे कि वन वे ट्रैफिक है। पर चलो अब हम निकलते हैं आगे। दोस्तों राइट नाउ वी हैव रीच्ड सारचू और ये जो आप बोर्ड देख सकते हैं ये है सारचू की चेक पोस्ट। तो यहाँ से जो आप पीछे का एरिया देख सकते हैं ये है हिमाचल प्रदेश और जो इसके आगे का जो भी एरिया है ये आता है लद्दाख में। तो यहाँ पे हमने एंट्री करवा दी है, अब करते हैं अब लंच और निकलते हैं पांग की तरफ। दोस्तों तो अभी हम पहुंच चुके हैं गाटा लूप्स में, वो आप देख सकते हैं गाटा लूप्स का बोर्ड और ये जो आप ऊपर देख रहे हैं ये है यहाँ के लूप्स। ये टोटल 21 लूप्स है और ये ट्रक्स आप देख सकते हैं जाते हुए। तो अब हम भी इनके थ्रू जाएंगे और ऊपर आएगा नाकिला पास। तो चलो चलते हैं और कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी। तो हम 10th या 11th गाटा लूप में अभी फंसे हुए हैं क्योंकि एक ट्रक है वो यहाँ पे फंस गया है और वो चढ़ नहीं पा रहा है। तो अभी कोई 15 मिनट हो गया हमें यहाँ पे खड़े हुए, तो शायद अब चल पड़े ट्रक तो अब निकल जाएंगे। तो देख सकते हैं इस रूट पे बहुत ही ज़्यादा ट्रक होते हैं ड्यू टू सप्लाई टू ले, पर बीच बीच में ये ओवर हीट हो जाते हैं या फंस जाते हैं तो ट्रैफिक जाम हो जाता है यहाँ पर।
अभी हमने कर लिए है घाटा लूप क्रॉस, वो जो आप ट्रक देख रहे हैं वहीं तक थे घाटा लूप, और अभी ये रास्ता आगे जा रहा है नाकिला पास को, तो वो जो आपको ट्रक जाते अगर इस वीडियो में दिख रहा होगा तो स्टॉप पे जाके है नाकिला पास, जिसकी हाइट अराउंड 16,000 फीट है, और अब हम भी वहीं निकलेंगे यहाँ से डायरेक्ट। तो रोड तो ठीक ठीक है बट ट्रक बहुत ज़्यादा है, तो अगर आप आ रहे हैं तो आप ट्रक से ओवरटेक करने का सोच भी नहीं सकते हो, इतने ज़्यादा ट्रक्स हैं, तो बस यही एक दिक्कत है इस रास्ते में। सो दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए नाकिला पास, जो कि है 15,547 फीट की हाइट पे, और ये पीछे अभी भी ट्रक चले जा रहे हैं। तो ठंड तो यहाँ पे काफ़ी है, बर्फ उतनी रही नहीं है, और अब यहाँ से हम उतराई उतरेंगे और फिर हम पहुँचेंगे पार्क। ये देख सकते हैं आप नाकिला पास का बोर्ड, पर ट्रक बहुत ही ज़्यादा इस रोड पे है। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए लाचुंगला पास, जो कि है 16,616 फीट की ऊंचाई पर, और ट्रस्ट में यहाँ पे ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी है, और ये देख सकते हैं कुछ 360 व्यू लाचुंगला पास का। दोस्तों अब हम पहुंचने वाले हैं पांग में, और आज की रात बिताएंगे हम पांग में, और अब हम मिलते हैं आपको अगली सुबह, तब तक के लिए टेक केयर।